हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आज ट्वेल्थ का मैथमेटिक का पेपर था, उसमें ये दो सेट आए थे। मैं पहले आपको कोर मैथमेटिक के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं अपने अगली वीडियो में आपको अप्लाइड मैथमेटिक के बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी कोर मैथमेटिक यानी कि हायर मैथमेटिक के बारे में बता रहा हूँ। ये दो सेट थे 065/2/4 और दूसरा सेट था 065/1/4। तो मैं पहले आपको ये वाला सेट बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला, देन आपको ये वाला सेट के आंसर की बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, आपको सेट नंबर यहां मिल जाएगा 065/2/4 और ये सेट 4 है। ठीक है, मैं आपको यहां पे पहला क्वेश्चन की बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए करेक्ट है, सेकंड का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद एट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, टेन के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन, थर्टीन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 20 का बी। क्वेश्चन 21 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 22 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 25 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर 26 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 27 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका 28 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और 30 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 33 पे चलते हैं। 33 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 34 का भी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 35 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 का 36 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 37 पे चलते हैं। 37 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 38 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 40 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर 41 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद 43 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 44 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद लास्ट 45 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 46 पे। तो 46 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 47 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 48 पे चलते हैं। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और 50 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये सारे 50 क्वेश्चनों के मैंने आपको आंसर की दे दी है। इसके बाद मैं अब इसका दूसरा सेट बताता हूँ कि दूसरे सेट के आंसर की क्या है। ये आपका दूसरा सेट है 065/1/4। इस वाले सेट का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो ए का सी ऑप्शन करेक्ट है, टू का डी ऑप्शन करेक्ट है,
थ्री का बी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, फाइव का डी ऑप्शन करेक्ट है, सिक्स का भी बी ऑप्शन करेक्ट है, सेवन का ए ऑप्शन करेक्ट है, एट का डी ऑप्शन करेक्ट है, नाइन का डी ऑप्शन करेक्ट है, टेन का बी ऑप्शन करेक्ट है, इलेवन का ए ऑप्शन करेक्ट है, ट्वेल्व का बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्टीन का ए ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्टीन का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन पे। सिक्सटीन क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है सिक्सटीन का, सेवनटीन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, एट्टीन का बी ऑप्शन करेक्ट है, नाइनटीन का ए ऑप्शन करेक्ट है, ट्वेंटी का ए ऑप्शन करेक्ट है, 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है और 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम 31 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन करेक्ट है, इसके बाद 32 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 35 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 38 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 40 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 44 का ए ऑप्शन करेक्ट है और 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लास्ट में। 47 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 46 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 48 का सी ऑप्शन करेक्ट है और 49 का ए ऑप्शन करेक्ट है और 50 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों सेट के आंसर की दे दी है। आपको मुझे बताना है कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए हैं।